वाराणसी जिला पोशुलापुर ग्राम जगदीशपुर के संतू राम नामक एक 50 वर्ष की दृष्टिहीन व्यक्ति रहते हैं, जिन्हें पानी की समस्या को लेकर इतना ज़्यादा गंभीर समस्या बनी है। 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं और वो रास्ते भी इतने ख़राब है जो सिर्फ एक पुलिया के ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है। उस रास्ते से इन लोगों को रोज़ाना एक दिन में 100 बार गुजरना पड़ता है। और यही नहीं बल्कि इस गाँव के 60-70 लोग इसी समस्या से ग्रसित हैं। ये कब से आपको नहीं दिखता है? हमें होगा लगभग 12 बरस। ये आपके गांव में हैंडपाइप नहीं है? उतना दूर से आप यहाँ आते हैं? हाँ, वहाँ हैंडपाइप ना है, इतनी दूर से पानी का समस्या है। लेकिन जाइला आइला छोटा छोटा बच्चा भी चल जालन, नहर में पानी भरल रहला तो छोटा छोटा बच्चा गिर भी जालन। का कहल जाए, गरीबन के कोई सहारा नहीं है, केहू ना ही सुनत, कैसे ना हम लोग कही, बाकी केहू ना सुनत। हम लोग को परेशानी दो समस्याएं हैं, इतना दूर से पानी लाना पड़ता है तो भाई प्यास लगेगा तो कुआं के पास तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ के गांव के प्रधान से कहा, वो लोग ये भी कुछ नहीं किए। यहाँ पे जो एम एल ए जो आते हैं विधायक लोग, वो लोग उसी से समा उन लोग को बोला, हम लोग बोले हाँ कर दूंगा, कोई आज तक किया नहीं। मैं चाहती हूँ कि टी राम जी इस गांव की सही जांच करवाते हुए, यहाँ पे अब 25 सालों में तो अब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार जरूर हैंडपाइप लगवा दें। और जैसे कि बहुत से यहाँ पे गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं और बहुत ही गर्भवती महिलाएं भी हैं जिन्हें उस खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा सा उनकी मुश्किल थोड़ी सी आसान करें। मैं वीडियो देखने वाले श्रोताओं से अपील करना चाहती हूँ कि टी राम जी विधायक के इस नंबर पे 8765955084 पर कॉल करके दबाव डालें और हमारी मदद करें। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से।